हेलो फ्रेंड्स, आज हम यह डिस्कस करेंगे कि वहनीयता महत्वपूर्ण है। वहनीयता यानी सस्टेनेबिलिटी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में डाले। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो भी संसाधन है उनका प्रयोग हम इस तरह से करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे। इसमें पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलू शामिल होते हैं जो विकास और संसाधनों के उपयोग के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। इसमें कितने तरह के की वहनीयता को हम ध्यान रखते हैं। पहला है पर्यावरणीय वहनीयता। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल और पानी का अति उपयोग करते हैं तो भविष्य में इनकी भारी कमी हो सकती है, जिससे पारिस्थितिक संकट और जैव विविधता को हानि होगी। पुनर्नवीनीकरण और जल संरक्षण जैसी सतत प्रथाएं इन संसाधनों की रक्षा करने में मदद करती हैं। दूसरा है आर्थिक वहनीयता या आर्थिक सस्टेन। यह एक ऐसी स्थिति को बतलाता है कि एक कंपनी जो संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करती है वह अल्पकालिक लाभ देख सकती है, लेकिन जब यह संसाधन दुर्लभ हो जाएंगे तो वह कंपनी विफल हो सकती है। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा और सतत प्रथाओं में निवेश करके व्यवसाय की दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित किया जा सकता है। तीसरा है सामाजिक सस्टेनेबिलिटी या वहनीयता। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि समुदाय स्वस्थ और सशक्त बना रहे। यदि सामाजिक वहनीयता नहीं होगी तो असमानता और सामाजिक अशांति समाज को अस्थिर कर सकती है।